Hi guys, welcome to today's video and hope so that all of you are doing well. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट PPR जो किक स्टार्ट हुई है, चार पांच PPR आई है वो, और जो एयर कैनेडा में बहुत सारे बच्चों को अभी तक मेल नहीं आया है. सो हमारे एक फ्रेंड ने उनसे बात की थी, कस्टम एग्जीक्यूटिव है, वो भी सुनेंगे और फिर देखेंगे डॉग फॉर का स्टेटमेंट एंड देन केसेस. सो पहले आप जो अभी स्क्रीन पे PPR देख रहे हो, ये उन्होंने फर्स्ट एप्लीकेशन की थी 4 मार्च को, फिर उनका रिफ्यूजल आ गया 31 मार्च को. रीजन था वोंट लीव कैनेडा और एकेडमिक स्कोर मिसिंग मार्कशीट. सेकेंड एप्लीकेशन उन्होंने 5 अप्रैल को की, फिर से रिफ्यूजल आ गया 3 मई को, वोंट लीव कैनेडा एंड नो प्रोग्रेशन ऑफ स्टडीज. फिर उन्होंने फॉर्म रेज किया 4 मई को और उनको PPR आ गए 13 मई को. उनका फाइनेंशियल प्लानिंग सैने का था, BCom 2016, working for a bank since 2016, IELTS 7, no less than 6. So see, यार positiveness रखिए आप भी. इन्होंने उनका सिर्फ वेब फॉर्म रेज किया था 4 मई को और उनको आ गया PPR 13 मई को. सो कॉन्ग्रेचुलेशन इनको भी. फिर आप दूसरी ये देख रहे हो, ये उन्होंने मार्च 10 को अप्लाई की थी, फिर उनका उनको मई 13 को आ गई. सो मार्च 10 की ये फाइल है. फिर अभी आप ये दूसरी इमेज देख रहे हो, ये 5 अप्रैल की फाइल है और उनको 13 मई को आ गए उनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट. सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस. फिर आप ये दूसरी देख रहे हो, वो मई 3 की है और उनका आ गया मई 13 को, यानी सिर्फ 10 डेज में आ गया. इट्स रियली अमेजिंग यार, ये लोग तो बहुत नसीब लेके चल रहे हैं. कितना नसीब, मतलब 10 डेज यार, 10 डेज में अभी आना, मतलब नॉर्मल में भी 10 डेज में नहीं आता था लेकिन अभी आ गया. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको भी, जिनकी भी आई है मेरे साथ शेयर की थी. सो ओके, सॉरी एक इमेज नहीं मिल रही. ये आप इमेज अभी देख सकते हो स्क्रीन पे. इन्होंने अप्लाई किया था 23 मार्च को, उनको रिफ्यूजल आ गया 23 अप्रैल को. उसी सेम रीजन था, विल नॉट लीव कैनेडा. और उन्होंने फिर से अप्लाई किया 10 मई को विद स्ट्रॉन्ग SOP एंड सेंट क्लेयर कॉलेज थी, टोरंटो STS कैटेगरी, 12th कॉमर्स था, 55% बिजनेस डिप्लोमा, PPR एंड BBL टूडे 13 मई 8 PM. वाहेगुरु जी मेहर करे सबदे, या हम सबते मेहर करेंगे वाहेगुरु जी, और हम सबका आ जाएगा यार. थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे पता है सिचुएशन वर्स्ट हो रही है दिन बर दिन, लेकिन क्या करें अभी. सो ये आज का हमने PPR देखी. सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि PPR चलो थोड़ी तो स्टार्ट हुई है, 3-4 देखी हमने, वो भी बहुत है, कल जाके ज़्यादा हो तो अच्छी है. और अभी हम आते हैं जो एयर कैनेडा ने फ्लाइट बैन किया है उसके ऊपर. सो पहले आप हमारे एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ एक रिकॉर्डिंग शेयर की थी, उन्होंने कॉल किया था. तो उसमें पहले मुझे ये लगा कि सिर्फ ट्विटर की एक टीम को ये लग रहा है कि 22 जून तक एक्सटेंड की गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक मेल नहीं आया है. सो इन लोगों को मैं इतना कह दूं कि थोड़ा 2-3 दिन और वेट कर लीजिए, आपको कंफर्मेशन आ जाएगा कि भाई आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है. क्योंकि जब आप वो पहले रिकॉर्डिंग सुन गया Andrea, I just wanted to know, what is the status of the flights from India to Canada? When are they starting their operations back? Flights from India to Canada have been cancelled until the 2nd of June. But few of the agents of Air Canada are spreading that it has been cancelled till 22nd of June over your Air Canada chat section on Twitter. And some of the agents over call are also claiming that it has been cancelled up to 22nd June. So can you tell me why each agent is telling their own different stories to it? We have had updated information and I didn't see this. So flights are cancelled until the 22nd of June. It's 22nd of June, it's cancelled? Correct. Pardon me? Right now but you were saying 2nd June, now you're saying 22nd June. So which one? Because as I've just told you, I just refreshed my page and we have updated information that got updated today. Okay. All right. Thank you, Andrea. Have a good day. You too. Thank you so much. All right. Bye. Okay, so आपने रिकॉर्डिंग सुनी तो इसमें क्लियर हो गया है कि भाई फ्लाइट कैंसिल हुई है. तो आपको नहीं आया है तो यू विल गेट द मेल फ्रॉम विद इन सम टाइम. सो अभी हम आते हैं जो डॉग फॉर ने लेटर लिखा था उसके ऊपर. सो ये पूरा लेटर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो.
इसमें उन्होंने लिखा है टू डेट, मैं पूरा लेटर नहीं पढ़ूंगा लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रैवल के रिलेटेड है वो पढ़ूंगा। वैसे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कह ही दिया था कि भाई इंटरनेशनल ट्रैवल को ही वो लोग टारगेट कर रहे हैं और इसमें भी बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रैवल को इन्होंने टारगेट किया है। तो पहले तो इन्होंने ये जो 3 रिक्वेस्ट पहले की थी बॉर्डर्स के रिलेटेड, वो इनमें से एक भी उन्होंने सुनी नहीं थी फेडरल गवर्नमेंट ने। और इसमें उन्होंने लिखा है दिस इंक्लूड सिक्योरिंग अवर बॉर्डर सो वी कैन स्टॉप द इंपोर्टेशन ऑफ केसेस एंड प्रोटेक्ट ओंटेरियंस फ्रॉम न्यू पोटेंशियली वैक्सीन एस्केपिंग कोविड 19 वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। सो जैसे आप सबको पता है हमारे इंडियन वेरिएंट वो कोविड 19 वो कह रहे हैं कि भाई जो इम्पोर्ट कर रहे हैं हमारे थ्रू बॉर्डर्स ओंटेरियंस को हार्म है। फिर ये तो उन्होंने इधर कहा, फिर आप दूसरे पेज पे आई एम आस्किंग द फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कैनेडियंस विद अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रैवलर्स हैव बीन अलाउड टू स्किप दिस क्रिटिकली इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ मेजर एज वेल एज वी आर रिक्वेस्टिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस ट्रैवलर्स एंड फर्दर डिटेल्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दिस एग्जेम्पशंस। इट्स क्लियर द करंट सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आर अबाइडिंग बाई मैंडेटरी क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स। सो इसमें भी इन्होंने कहा है कि भाई इंटरनेशनल ट्रैवल को देखिए, क्वारंटाइन मेजर्स देखिए, स्क्रीनिंग बढ़ाइए। और फिर लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि फॉर 14 मंथ ऑन्टेरियंस ने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है, वो बाहर नहीं गए, लेकिन फिर लास्टली उन्होंने कहा है आई वरी दैट विदाउट स्ट्रॉन्ग मेजर्स एट द बॉर्डर्स द सेक्रीफाइसेस ऑफ ऑन्टेरियंस हैव बीन मेड विल बी फॉर नथिंग। सो ये भी इन्होंने कहा है। फिर लास्ट हम इमेज देखते हैं, गिव द कंटिन्यूड अर्जेंसी ऑफ दिस इश्यूज एंड द नीड टू अवॉइड अ पोटेंशियल फोर्थ वेव ऑफ कोविड-19 थ्रू अवर बॉर्डर्स योर अर्जेंट अटेंशन टू दिस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट इज नीडेड एज क्विकली एज पॉसिबल। सो इसमें भी उन्होंने कहा है कि भाई पोटेंशियल फोर्थ वेव ना आए तो थ्रू अवर बॉर्डर्स, ना थ्रू अवर बॉर्डर्स मतलब बॉर्डर्स के थ्रू ही उनके उधर आ रही है, व्यू कैसा लग रहा है। सो देखते हैं कि क्या इसके रिगार्डिंग फेडरल गवर्नमेंट उनको क्या रिप्लाई देती है, उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे कोई उसके रिगार्डिंग अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, 73% लोग सिर्फ वीडियो ही देखते हैं। सो मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए यार, आपको हेल्पफुल होगा, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं वीडियो नहीं अपलोड करूँ। सो अभी हम देखते हैं कि कल ऑन्टेरियो में कितने केसेस आए थे। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल आए थे 2759। सो का थोड़े बढ़ गए, पिछले 2-3 दिनों से 2300 के अराउंड आ रहे थे। अभी कल जो डग फॉर थे वो लाइव आए थे, वो मतलब एड्रेस करने के लिए नेशन को। तो उसमें उन्होंने क्या कहा वो देखते हैं। तो उन्होंने पहला तो जो स्टे एट होम ऑर्डर था वो एक्सटेंड कर दिया है 2 तक। जो ओरिजिनल ऑर्डर था वो नेक्स्ट वीक को एंड हो रहा था। तो और दूसरी बात उन्होंने कही, ऑन्टेरियो प्रीमियर रिपीट्स डिमांड दैट फेड्स मतलब फेडरल गवर्नमेंट टाइटन बॉर्डर्स एंड प्रोवाइड बेटर कोविड-19 स्क्रीनिंग फॉर इंटरनेशनल एयर ट्रैवलर्स। वन थिंग थ्रेटन्स द समर एवरीवन होप्स टू हैव एंड दैट्स द वीक एंड पोरस बॉर्डर मेजर्स दैट द फेडरल गवर्नमेंट हैज केप्ट इन प्लेस। तो मैं यार इनसे इतना कंटाल गया हूँ, अभी ये फॉर्ड को क्या है पता नहीं चल रहा, इतना क्यों प्रेशर बना रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। पहले तो ट्वीट करते हैं, फिर लाइव में भी इतना कहते हैं कि भाई बॉर्डर्स बॉर्डर्स बॉर्डर्स, फिर लेटर में भी बॉर्डर्स बॉर्डर्स कर रहे हैं, क्यों क्या कर रहे पता नहीं चल रहा यार। उनको भी समझना पड़ेगा कि सब कुछ चलता है यार, इधर बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, उनको जाना ही पड़ेगा अभी। सो यार बहुत कुछ प्रेशर है सभी बच्चे पे, आई नो दैट, लेकिन यार पॉजिटिव रहिए। मैं इतना ही कहूंगा एज अ फ्रेंड, आपको जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा सोचिए यार। वैसे तो कुछ अच्छे के लिए हो नहीं रहा है, लेकिन एज अ ब्रदर यार, जो भी आप मुझे मानो आपका फ्रेंड यार, लेकिन क्या करें, मैं खुद इधर लास्ट नवंबर 2020 से इधर ही हूँ, इंडिया में फंसा हूँ, मेरी तो प्रिपेयर भी नहीं आई, क्या हो रहा है मेरे साथ भी कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन देखते हैं कहाँ हमारी ये डेस्टिनी ले जाती है। लेकिन हमने सिर्फ एक मतलब कहते हैं ना, गोल नक्की किया है कि भाई जाना है तो जाना है। सो डेट्स ऑल। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो हम नीचे कमेंट में डाल दीजिए। हम संडे को 4:00 को लाइव आते हैं। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इफ यू हैव एनी क्वेरीज। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। एंड इसी के साथ ये आज का छोटा सा वीडियो समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड आपकी फैमिली को सेफ रखिए। So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow.